कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में केशव दास की रामचंद्रिका की जितनी भी व्याख्याएं दे रखी है उन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। यह केशव दास की व्याख्याओं पर हमारी अंतिम वीडियो है, राम रावण युद्ध। इसमें राम रावण के युद्ध के बारे में बतलाया गया है। देखो, इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के वेगी सार तीसु कहियो रथ जाई ले सुविशेष के तुक तून अक्षयवान स्वच्छ अभेद ले तंत्राण को आयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। यह रामचंद्रिका के राम रावण युद्ध प्रसंग से अवतरित है और इसमें देवराज इंद्र ने रावण के साथ श्री राम को जब बिना रथ के ही युद्ध में जाते हुए देखा तो वो चिंतित हो जाते हैं और अपने सारथी को बुलाकर युद्ध में रथ को सुसज्जित करके ले जाने का आदेश देते हैं। उसी का वर्णन किया गया है। देखो, इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, कि इंद्र श्री रघुनाथ को बिना रथ के ही युद्ध भूमि में जाते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं वे, देखो, सारथीसु कहियो, वे अपने सारथी को बुलाकर उनसे कहते हैं कि जायु ले सुविशेष के, कि तुम युद्ध के लिए विशेष रूप से सुसज्जित करके एक रथ को तैयार कीजिए और वह रथ विशेष प्रकार से सुसज्जित किया हुआ होना चाहिए, अर्थात उसमें ऐसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित होने चाहिए जो श्री राम को विजय दिलाने में सफल हो। आगे वो क्या कहते हैं, देखो, तून अक्षय वाण, कि रथ में ऐसे तरकस रखो, तून यानी होता है तरकस, कि तुम रथ में ऐसे तरकस रखो कि अक्षय वाण और जो बाणों से कभी खाली न हो, अर्थात बाण भी ऐसे होने चाहिए कि उन बाणों को कोई भेद ना सके, इसलिए अक्षय शब्द का प्रयोग किया गया है। और स्वच्छ अभेद ले तंत्राण को, और तंत्राण का अर्थ होता है कवच, अर्थात उसमें ऐसा कवच होना चाहिए जो किसी भी शस्त्र अस्त्र से जिसको भेदा ना जा सके, अभेद अर्थात उसको कोई भेद ना सके, अर्थात जो उसका जो कवच है वह बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होना चाहिए। आयु रणभूमि में करीब अप्रमेय प्रमाण को, इस प्रकार रथ को अत्यधिक बेजोड़ और माप से रहित असीमित बनाकर युद्धभूमि में ले आइए। अप्रमेय का मतलब था बेजोड़, अर्थात जिसकी कोई माप ना हो, तो इस प्रकार से रथ को बिल्कुल ही बेजोड़ बनाकर श्री राम की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में प्रस्थान कीजिए। तो इंद्र अपने सारथी को ऐसा आदेश देते हैं। अगली व्याख्या, कोटि भांति पौन ते मनते महालघुताल सही बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हसई रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष है जब ही चढ़ई पुष्प वर्षी वजाय दुंदवी देवता बहुधा बढ़े। यह भी राम रावण युद्ध प्रसंग से ही लिया गया है। इसमें केशवदास ने देवराज को अपने सारथी को सुसज्जित रथ ले जाने का निर्देश देते हुए बतलाया है कि वो किस प्रकार से अपने रथ को सुसज्जित करते हैं और वह रथ की क्या विशेषता है। कोटिक भांति पौनते, कैसे कवि केशव दास कहते हैं कि इंद्र ने अपने सारथी से कहा, क्या कहा, किसी श्री राम की सहायता के लिए ऐसा रथ ले जाओ जो क्या, जिसकी गति कैसी हो, कोटिक भांति पौन थे, कि हवा से भी करोड़ों गुना अधिक, उसकी गति कैसी हो, हवा की गति से भी अधिक तीव्र हो, मनते महा लघुता लसे, और उसके अंदर जो हल्कापन है अर्थात वह इतना हल्का हो, कितना, मन से भी अधिक हल्का हो, अर्थात उन्होंने कहा कि गति तो हवा से तीव्र हो तथा उसमें जो वजन है वह मन से भी कम हो, इस प्रकार विशेष प्रकार का रथ सुसज्जित करके तुम श्री राम की सहायता कीजिए। बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अतंक जो हसे, और जो रथ के अग्रभाग में हनुमान जी बैठ जाते हैं और राक्षस सेना को देखकर वो यमराज की तरह हंसते हुए सुशोभित हो रहे हैं, कि वो राक्षस सेना को देखकर
एक आतंक की तस्वीर में हंसते हैं और उस सेना को डराने का प्रयास करते हैं। फिर आगे क्या होता है, देखो, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष है जब ही बड़ी। श्री राम उस रथ की परिक्रमा करके दाहिने पक्ष से जो ही उस पर बैठते हैं तो क्या होता है, देखो, पुष्प वर्षी बजाय दुंदुभी देवता बहुधा बढ़ी। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की, नगाड़ों और पुष्पों की वर्षा होने लगी, अर्थात वो नगाड़े बजाने लगे और श्री राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अगला जो पद है उसमें रावण के वध का उल्लेख है। देखो, जेई सर मधु मद मर्द ही महासुर मर्दन की नहीं, मारे करकस नरक संख हति संख जोली नहु, निष्कंटक सुर कटक करो केट बपु खंडई, खर दूषण तरसरा कबंद तर खंड विहंडई, कुंभकर्ण जी संघारो पल ने प्रतिज्ञा ते टरु, ते ही बान प्राण दस कंठ के कंठ दसो खंडित करे। देखो, इसमें श्री राम द्वारा रावण को मारने का संकल्प और उनकी जो बाण साधने की जो कुशलता है, बाण संधान का जो कौशल है, उस बाण संधान के कौशल का ही वर्णन किया गया है। क्या है, देखो, आगे देखो, जे ही सर मधु मद मर्दन करे। श्री राम लक्ष्मण से अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, जे ही सर मधु मद मर्दन करे, जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के मद का मर्दन किया, अर्थात जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस को मारकर उनका जो अहंकार था उसको विनष्ट कर डाला, उस महाबलशाली असुर को मार डाला और उसी बाण से मारे कर्कश नरक, कर्कश स्वभाव वाला जो नरकासुर था उसका भी मैंने संहार किया था, और संक हति संक जो लीनो, और उसके पास जो अमूल पांच जन संख्य था उस संघ को प्राप्त कर लिया था। निष्कंटक सुर कंटक करो, और जिस बाण से मैंने क्या किया, केटब नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, अर्थात जिस बाण से मैंने केटब नामक राक्षस को मार गिराया था, और वह केटक जो देवताओं का शत्रु था, देवताओं के मार्ग का कांटा था, तो उन देवताओं के मार्ग के कांटों को दूर किया, और खर दूषण त्रसरा कबंध तरु खंड विखंडे हो। इतना ही नहीं, उसी बाण से मैंने खर दूषण त्रिसरा कबंध आदि राक्षसों को भी मार गिराया, तरु खंड विखंड हो, उनके शरीर को मैंने उसी प्रकार से विखंडित कर दिया जिस प्रकार से एक वृक्ष को टुकड़ों टुकड़ों में काट करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने उन राक्षसों का वध किया। कुंभकर्ण जी संग्रह पलनो प्रतिज्ञा टरो, और जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण अर्थात कुंभकर्ण राक्षस का भी संहार किया, और एक पल के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला, अर्थात मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, उसी बाण से आज मैं रावण के दसों खंडों को एक साथ, दसों खंडों ने दसों कंठों को, कंठ का अर्थ था कंठों को गर्दन, अर्थात उसी बाण से आज मैं दस कंठ के कंठ खंडित करो, रावण के दसों कंठों को एक साथ खंडित कर डालूंगा, अर्थात उन्होंने रावण को भी मार गिराया। इसमें मधु नरकासुर कबंध त्रिसराखर आदि राक्षसों का जो वध किया था उसका उल्लेख किया गया है, और श्री राम थे वे बहुत ही शक्तिशाली थे, शील और शक्ति के आघार थे। अगली जो व्याख्या देखो, सीता त्याग उत्तरकांड से है ये, और इसमें सीता त्याग का उल्लेख है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनिघात, कौन दोष नहीं बोलियत जो कही जाए बात। कभी केशवदास जी कहते हैं, लक्ष्मण कहने लगे, क्या कहते हैं, देखो, हे तात, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्मों से, हम सेवक सुनितात, हे तात,
हम आपके क्या है, सेवक है। मन कर्म और वचन से हम आपके सेवक है, हम पूर्णतः अनन्य रूप से आपके भक्त है। को दोष नहीं बोलियत जो कही यह बात। इस संसार में कौन सी ऐसी बात है, को दोष नहीं बोलियत अर्थात कौन सी ऐसी बात है जिस पर लोग दोष नहीं बताते, अर्थात हर बात में दोष निकालना तो मनुष्य का स्वभाव है। जो कहीं आहे बात अर्थात दोषारोपण करना तो मनुष्य का स्वभाव है, तो तुम इस प्रकार से माँ का परित्याग मत कीजिए। तो इस प्रकार जो लक्ष्मण जी है श्री राम से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करके कहते हैं कि संसार का स्वभाव है कि चाहे कोई अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन उसका जो काम है उस काम में दोष निकालना संसार का स्वभाव है। तो यहाँ केशव दास की रामचंद्र जी का की जो व्याख्या है उनका अंत होता है। अब हम अगली वीडियो में केशव दास के जो कला पक्ष, भाव पक्ष, उनकी संवाद योजना, आचार्यत्व आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अर्थात उनकी जो क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।